25 करोड़ की चोरी का मामले में छत्तीसगढ़ से 3 मुलजिम हिरासत में लिए गए हैं। मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है पुलिस। तो वहीं आपको याद होगा कि ज्वेलरी शॉप से 25 करोड़ की चोरी हुई थी। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भोगल में 25 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया था। तो वहीं जो चोर हैं उनको छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़ लिया है। मुलजिमीन को मामले में 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। कलीदी मुलजिम लोकेश श्रीवास्तव है, एक शिवा चंद्रवंशी है और एक और शख्स है। इनके पास से काफी सोना बरामद हुआ है। इस गैंग ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी चोरियां की हैं। दिल्ली पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ में मौजूद है। इनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो आपको याद होगा किस तरह से दिल्ली में ये पूरा चोरी का वाकया सामने आया था। चोरों ने जो शॉप थी, जो स्टोर था, उसकी दीवार में एक सुराख कर उसमें घुसकर सारा सोना और सारा जो सामान था शॉप में वो लेकर फरार हो गए थे। तो पुलिस इस मामले को लेकर तेजी से सॉल्व करती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से 3 मुलजिम हिरासत में लिए गए हैं। मुलजिमीन से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। तो ज्वेलरी शॉप से 25 करोड़ की चोरी हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं 25 करोड़ कितनी बड़ी तादाद है और ऐसे में जो शॉप ओनर थे वो कहीं ना कहीं सदमे में है। तो पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कलीदी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया।